हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अमित टेक्निकल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे पास है फ्लिपकार्ट का एक पैकेज जिसके अंदर है कैनवास लैब बुक 1160, जिसका मैं अनबॉक्सिंग करूंगा और उसके साथ उसका क्विक रिव्यू भी दूंगा। तो दोस्तों, चलिए इस बॉक्स को पहले अनबॉक्स कर लेते हैं। दोस्तों, अनबॉक्स करने से पहले आप लोगों को बता देता हूँ, इसको मैं पहले से ही अनबॉक्स करके इसको थोड़ा सा यूज़ कर लिया था, इसी क्योंकि मेरा जो अनबॉक्सिंग वीडियो था वो डिलीट हो गया है, इसीलिए आप लोगों को फिर से इसको दोबारा से अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा कि बॉक्स में क्या कुछ मिलता है और इसका एक क्विक रिव्यू भी दूंगा। तो फिर दोस्तों, चलिए इसको फटाफट से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर फ्लिपकार्ट की बिल है, ठीक है, जिसके फ्लिपकार्ट से मैं इसको ख़रीदा हूँ। दो तीन दिन पहले इसका मैंने ऑर्डर किया था, तीन चार दिन बाद इस ऑर्डर मेरे घर पे डिलीवरी हुआ। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका प्राइसिंग। दोस्तों, इसको मैंने 10,500 रुपीज़ में इसको ख़रीदा हूँ फ्लिपकार्ट से। इसको इसके बिल को मैं साइड में रख देता हूँ और सीधे सीधे इसके बॉक्स को ओपन कर देता हूँ फ्लिपकार्ट। तो दोस्तों, यहाँ पर मिल जाता है कैनवास लैब बुक की पैकेज जो कि माइक्रोमैक्स की है। इसको मैं हटा देता हूँ। दोस्तों, यह है माइक्रोमैक्स कैनवास लैब बुक की पैकेज जो विंडोज 10 प्रीलोडेड है। इसमें आपको इसके कुछ स्पेसिफिकेशन दिखाई देगा। यहाँ पर सीपीयू की स्पेसिफिकेशन दिया गया है, इंटेल एटोम की प्रोसेसर जो अप टू 1.83 गीगाहर्ट्ज क्वाड कोर प्रोसेसर है, विंडोज 10 प्रीलोडेड, डुअल स्पीकर और 32 GB की इंटरनल मेमोरी दिया गया है जो कि फ्लैश स्टोरेज है। और यहाँ पर आपको कैनवास लैब बुक दिखाई देगा और यहाँ इंटेल इंटर इनसाइड माइक्रोमैक्स की लोगो। और दोस्तों, यहाँ पर हैंड दिया गया है इसको कैरी करने के लिए। तो दोस्तों, और इसके पीछे की तरफ क्या मिलता है आप लोगों को दिखा देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर पीछे की तरफ आपको मिल देगा इसकी स्पेसिफिकेशन, कैनवास लैब बुक, इसकी मॉडल नंबर है L1161 और इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 10 ओरिजिनल जो कि प्रीलोडेड है, 2 GB रैम DDR3 और स्टोरेज है 32 GB, EMC स्टोरेज, फ्लैश स्टोरेज है, बहुत ही फास्ट स्टोरेज है, डुअल स्पीकर, 5000 mAh की बैटरी, माइक्रो SD सपोर्टेड, USB 2.0 के पोर्ट मिलेगा दो और एक हेडफोन की जो पोर्ट मिलेगा। यहाँ पर वाईफाई और ब्लूटूथ 4.0 मिलेगा और कैमरा मिलेगा डिजिटल। तो दोस्तों, यहाँ पर माइक्रोमैक्स की IMEI नंबर दिया गया है, यहाँ पर पोर्ट नंबर और SN नंबर दिया गया है, मॉडल नंबर है L1161। तो दोस्तों, इसको और दोस्तों, यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा और इधर भी कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ फ्लिपकार्ट का स्टिकर है। तो दोस्तों, इसको मैं अब फटाफट से बॉक्स से खोल देता हूँ। दोस्तों, यहाँ से आपको ये लैपटॉप की बैग को खोल सकते हो और इसको पहले मिलता है आपको यूज़र गाइड, ठीक है, और इसको मैं साइड में रखता हूँ। और यहाँ पर आपको मिलेगा वारंटी कार्ड। और दोस्तों, यह है लैपटॉप, सॉरी दोस्तों, यह है लैब बुक माइक्रोमैक्स की तरफ से। इसको मैं साइड में रखता हूँ और देखते हैं इसके बॉक्स में और क्या कुछ मिलता है। दोस्तों, यार इधर में मिलता है आपको चार्जर। तो दोस्तों, लगता है इसके आउटपुट वोल्टेज कितना है। दोस्तों, इधर किट में आपको आउटपुट मिल जाएगा जो 2 एम्पियर के चार्जर है, आउटपुट है 12 वोल्ट, काफ़ी थोड़ा सा फास्ट चार्जर इसमें मिलेगा। तो जैसे इसके चार्जर को आप साइड में रख देता हूँ और क्या है इस बॉक्स में, कुछ भी नहीं है। तो बॉक्स को मैं साइड में रख देता हूँ और मैं फोकस करता हूँ मेन लैब बुक पर।
तो दोस्तों अब मैं फोकस करता हूँ मेन लैब बुक पर, इसके क्वेश्चन को हटा देता है, इसको भी हटा देता है, और इसको इस पैकेज से मैं अब इस लैपटॉप को बाहर निकाल दूँगा। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो प्योर ब्लैक कलर के है, और ये दोस्तों बहुत ही ग्लॉसी प्लास्टिक है जो कि मैट फिनिश है, और पीछे की तरफ आपको मिलता है यहाँ पर माइक्रोमैक्स की कुछ ब्रांडिंग दिया गया है, और एसएन की नंबर कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा स्पीकर, और इधर पे भी मिलेगा स्पीकर, तो फिर कुल मिला के आपको मिलेगा डुअल स्पीकर। और दोस्तों इधर पे मिलेगा आपको HDMI फुल साइज में HDMI पोर्ट, यहाँ की चार्जिंग के लिए ये पोर्ट है चार्जिंग के लिए, और यहाँ पर आपको मिलेगा 3.5mm ऑडियो जैक, कार्ड रीडर, माइक्रो SD कार्ड रीडर, और इधर पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, फ्रेश क्लीन लुक है यहाँ पर, और इधर पे मिलेगा और एक USB 2.0 की पोर्ट। बस तो यहाँ पर लैप बुक की यहाँ पर आपको माइक्रोमैक्स के लोगो दिखेगा, यहाँ पर आपको मेन फोकस में दिखेगा कैनवास लैप बुक। दोस्तों इसके हाथ में लेके इसको बहुत ही लाइट लग रहा है क्योंकि ये सिर्फ 1.3 kg के है, और दोस्तों बहुत ही क्लीन और फ्रेश लुक है, और इसका इसमें जो प्लास्टिक यूज़ किया गया है बहुत ही अच्छे क्वालिटी का प्लास्टिक है, लेकिन बहुत हाई एंड क्वालिटी का नहीं है, लेकिन इस प्राइस के हिसाब से इसका बिल्ड क्वालिटी मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। तो दोस्तों ये था इसका फिजिकल ओवरव्यू, अब इसको ओपन करके देख लेते हैं इसके अंदर की कीबोर्ड कैसे मिलता है, डिस्प्ले कैसे मिलता है। तो दोस्तों ये है इसकी कीबोर्ड, जो चिकलेट कीबोर्ड है, और यहाँ पर इसका ट्रैक पैड, और दोस्तों यहाँ पर आपका फिर से स्पेसिफिकेशन दिखाई देगा, मैंने आपको पहले से इसके स्पेसिफिकेशन बता दिया हूँ वही है, और यहाँ पर आपको इंटेल इनसाइड की लोगो स्टिकर, और यहाँ पर HDMI की लोगो। तो दोस्तों एक कीबोर्ड है, और यहाँ पर आपको फोकस करते हैं तो दोस्तों आपको मिलेगा यहाँ पर 11.6 inch का 720 वाला डिस्प्ले जो कि IPS है, व्यूइंग एंगल मुझे लगता है IPS है, इसीलिए व्यूइंग एंगल भी अच्छा होगा कंपेयर टू अदर लैपटॉप। और यहाँ पर आपको मिलेगा कैमरा जो कि VGA कैमरा है, और यहाँ पर थोड़ा सा जो पोर्ट दिखाई दे रहा है वो शायद माइक्रोफोन के लिए, वीडियो कॉलिंग करने के लिए, इससे आप बहुत अच्छा वीडियो कॉलिंग नहीं कर सकते हो, थोड़ा सा VGA क्वालिटी का है इसीलिए। तो दोस्तों इसको हम मैं ऑन करके देख लेता हूँ, दोस्तों यहाँ पर आपका ऑन की मिलेगा, तो ऑन हो रहा है, थोड़ा देर देखते हैं कि कितना जल्दी है ऑन होता है। क्योंकि ये फास्ट स्टोरेज है शायद इसका बुकिंग टाइम भी बहुत ही कम होगा, दोस्तों बहुत ही जल्दी ये बूट हो गया है, और दोस्तों ये कंप्यूटर अब रेडी है यूज करने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देख लेते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन, इसके कौन सा बीट की प्रोसेसर दिया गया है, सिस्टम पर दोस्तों सिस्टम पर जाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा इसके क्या कुछ पर दिखाई देता है। तो दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हो विंडोज 10 है, 2GB की रैम, और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो दिया गया है विंडोज 10 32-bit की ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन 64-bit प्रोसेसर, और इसके प्रोडक्ट की आप देख सकते हो विंडोज 10 की, और इसकी प्रोसेसर दिया गया इंटेल एटोम Z3735F 3.33 GHz की इसके बूस्ट बेस क्लॉक स्पीड है, और टर्बो क्लॉक स्पीड है 1.83 GHz।
तो दोस्तों इसका सिस्टम इंफॉर्मेशन था यही। तो इसमें आप लोगों को आप दिखाता हूँ इसको स्टोरेज में कितना मिलता है आप लोगों को। तो दोस्तों चलिए यहाँ से आप बैक हो जाता हूँ मैं। इस पीसी और दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई देगा 18.1 GB, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा यूज़ करके रखा था। इसमें ओरिजिनल मिलता है फर्स्ट टाइम बूट करने से पर मिलेगा आपको 21.5 GB, क्योंकि मैं कुछ सिनेमा और कुछ वीडियोस यहाँ पर डाल दिया हूँ, इसीलिए थोड़ा सा स्पेस कम हो गया और कुछ सॉफ्टवेयर मिल गया इंस्टॉल कर दिया हूँ इस पर। तो दोस्तों यहाँ पर लैपटॉप की कितना स्टोरेज मिलता है वो भी दिखाई दिया और दिखाया आपको इसकी सिस्टम इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पर डिस्प्ले कैसा मिलता है। तो डिस्प्ले दोस्तों IPS है, ब्राइटनेस भी बहुत ही ज़्यादा है। आप लोगों को ब्राइटनेस थोड़ा सा बढ़ा के दिखाता हूँ दोस्तों। ये था 50% ब्राइटनेस पर और ये है 100% ब्राइटनेस पर, और ब्राइटनेस लो कर देता हूँ। ठीक है, एकदम लो ब्राइटनेस पर इसकी ब्राइटनेस फिर से मैं बढ़ा देता हूँ। तो दोस्तों इसका ब्राइटनेस बहुत अच्छा है, व्यूइंग एंगल भी आपको अच्छा दिखाई देगा क्योंकि ये IPS है। तो दोस्तों अब आप लोगों को मैं एक वीडियो प्लेबैक दिखाऊंगा इसका, कैसे इसको HD वीडियो को कैसे हैंडल करता है। तो दोस्तों यह एक HD वीडियो, इसको मैं आप लोगों को चला के दिखाता हूँ। वीडियो को अगर आप लोग देख सकते हो, ठीक है दोस्तों, इसकी वीडियो क्वालिटी बहुत ही अच्छा है और ये 4K वीडियो तक सपोर्ट करता है। बहुत ही अच्छे आराम से इसके वीडियो को प्ले कर देता है। और दोस्तों ये आप लोग यहाँ पर इसका साउंड क्वालिटी सुन लीजिए, तो दोस्तों साउंड क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए अब इसको मैं हटा देता हूँ और नेक्स्ट आपको इसको यहाँ बिहेविंग इसकी डिस्प्ले की व्यू एंगल भी आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर से आप देखोगे तो कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं आएगा, यहाँ से भी कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं आएगा। थोड़ा सा कलर शिफ्ट हो रहा है लेकिन बहुत बुरा कुछ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आप डिस्प्ले तो डिस्प्ले के मामले में बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है। इसकी प्राइस के हिसाब से इसके डिस्प्ले बहुत ही अच्छा दिया गया है। तो दोस्तों ये था कैनवास लैपबुक 1160 की अनबॉक्सिंग और क्विक रिव्यू। दोस्तों अगर आप इस लैपबुक की फुल रिव्यू चाहते हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 2-3 दिन बाद इसको मैं अच्छी तरह से ट्राई करूँगा और इसको मैं बहुत तरह से टेस्ट करूँगा, उसके बाद आपको इसकी फुल रिव्यू लेके आऊँगा। इसकी सब कुछ इस फुल रिव्यू में आपको बताऊंगा, क्या बुरी बातें हैं, क्या अच्छे बातें हैं, इसको लेना चाहिए या नहीं, सब कुछ इस उस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो फिर दोस्तों यहाँ से मैं चला जाता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।